या इसको करना है, प्रारंभ करें। जी अभी मैं रास्ते में हूँ, कोई भी साथी कर दीजिए। हाँ तो किसको करना है? कोमल विदुषी करो। ओम आतिष्ठन्तं करि विश्वे अभूषन् श्रियो वसानः चरति सरोचिः महत्तत् वृषणो असुरस्य नाम आविश्वरूपो अमृतानि तस्थौ। मंत्रार्थ, सब ओर से प्रतिष्ठन्तं सुप्रतिष्ठित विश्वे विश्व में आभूषण भूषित किया, स्वरोचि ही स्वयं प्रकाशित श्रेयो श्री शोभाओं को वसाना धारण करता हुआ चरति विचरता है, महत महान तत् वह वृषो वर्षा करने वाला असुरस्य असुर का नाम नाम आ विश्व रूपो सब रूपों में अमृतानी अमृत को तस्थाउ स्थित करता है। भावार संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित। रिकॉर्डिंग कौन क्या जी कर गुरु जी ने कहा था तो जरा स्पष्ट हो जाए। मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर कौन? रहा हूँ स्वामी जी, रिकॉर्डिंग हाँ ऑन मैं भी है, कर रही हूँ गुरु जी। 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्वामी जी। भावार्थ, संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित परिव्याप्त परमात्मा ने ही संपूर्ण विश्व को भूषित अलंकृत किया है, वह महान सा प्रकाशित होता हुआ श्री को वसाता हुआ संचार करता है। उस महान पराक्रमी वर्षा करने वाले असुर परमात्मा का नाम ही अमृत को स्थापित करता है। वेद में असुर शब्द परमात्मा का ही वाचक है, देव शब्द के समान एक विशेषण है। विशेष अस अस्ति धातु का अर्थ होना, अस्तित्व होना, विद्यमान होना है। इसी प्रकार अस्यति धातु का अर्थ फेंकना, उड़ाना, बिखेरना है। असति असते धातु का अर्थ प्रकाश करना, गति करना, लेना होता है। इस प्रकार असुर शब्द का अर्थ सृष्टि का मूल अस्तित्व, मूलभूत सत्ता, दिव्य प्रकाश, गति तथा स्वयं का विस्तार कर सृष्टि सृजन करने वाला हो सकता है। इन अर्थों में ही असुर शब्द परमात्मा का विशेषण माना गया है। धातुवादी निरुक्त, परि उपसर्ग अतिष्ठन्तम् आ उपसर्ग तिष्ठ स्थित होना, विश्व सर्वनाम अभूषण आ क्रिया उपसर्ग भूषित करना, स्वरोज स्वरोचि स्व सर्वनाम रुच प्रकाश होना, श्रियो श्री सेवा करना, आश्रय होना, श्रेय होना, वसाना है वस वसना धारण करना, चरति चर चलना विचरण करना, महत मह महत्व होना, सम्मान करना, सत्कार करना, तत् सर्वनाम वृषणो वृष वर्षा करना, वर्षा होना, असुरस्य अस होना, रहना, फेंकना, बिखेरना, उड़ाना, प्रकाश करना, चमकना, जाना, नाम अव्यय है। आ उपसर्ग विश्व रूपो विश्व सर्वनाम रूप रूप बनाना, आकार बनाना, रचना करना, अमृतानी आ उपसर्ग मृ धातु मरना, तस्थौ स्था धातु है स्थित होना। ओम खमरम। ॐ अं ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 22। ॐ आतिष्ठन्तं परिविश्वे अभूषन् श्रियो वसाना चरति स्वरोचिः महत्तद्वृष्णो असुरस्य नाम आविश्वरूपो अमृतानि तस्थौ। दृष्टुप छंद है, सुंदर ये छंद है। आतिष्ठन्तम् आ उपसर्ग सम्यक समन्तात् पूर्णता भली भांत के अर्थ में आता है। तिष्ठन्तम् तिष्ठित प्रतिष्ठित स्थित जैसे भी समझ सकें। आतिष्ठन्तम् परिविश्वे अभूषण
परिपरता सबोर से विश्वे विश्व में सब में अभूषण भूषित हुआ भूषित होता है। हाँ अब देखिए यहां भी समझने की बात है, अभूषण आ यदि किसी शब्द से पूर्व लगता है तो निषेध का अर्थ देता है, यदि वह संज्ञा विशेषण है तो ये आभूषण क्रिया है। तो आ जब क्रिया उपसर्ग है तब वो निषेध का अर्थ नहीं देगा। अब ये लकार बन गया, एक प्रकार से वो लकार के चिन्हों में सम्मिलित है। हमने दोनों को स्पष्ट करने के लिए इस भाष्य में लिखा है ये आ क्रिया उपसर्ग। एक सामान्य उपसर्ग होता है देव अदेव प्रकाश अप्रकाश, जो भी इस प्रकार से आप कहेंगे तो वहां आकार निषेध हो जाता, उसका विपरीत हो जाएगा, वैसा नहीं का अर्थ देगा, अर्थात नहीं। ये क्रिया उपसर्ग है, यहां पर आ का अर्थ निषेध नहीं होगा, उस क्रिया का होना ही व्यक्त होगा। भूष धातु है, भूषित होना भूषित करना, इतना सरल हम लोगों को कह सकते हैं, नित्य व्यवहार का शब्द है तो बहुत उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आभूषण का अर्थ है भूषित होता है भूषित करता है भूषित हुआ। सामान्यता ये आ क्रिया उपसर्ग लौकिक संस्कृत में भूतकाल में आता है, अपठत आदि के रूप में हमने अपने विद्यालय में व्यवस्था में पढ़ा है, अपठत अगच्छत गया पढ़ा जैसे अर्थ में। आभूषण का अर्थ कह सकते हैं इस प्रकार से भूषित किया भूषित हुआ। इस संदर्भ में जो हमने निवेदन किया है कि वेद में सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य का वर्णन है, अतः यहाँ भूतकाल कहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता कह सकते हैं। अभूषित हुआ परमेश्वर के लिए जब कह रहे हैं वह परिता सब में भूषित हुआ, तो ऐसा नहीं पहले कभी भूषित हुआ, उससे पहले नहीं था या अब नहीं है आगे नहीं होगा, तो वो उसका वही अर्थ है, वो सदा भूषित हो रहा है भूषित कर रहा है, तो उसको सर्वकालिक सत्य के रूप में ही हम ग्रहण करते हैं। आतिष्ठन्तम् पर विश्वे अभूषण वे सम्यक समन्ता प्रतिष्ठित होते हुए सब में परितः भूषित होता है, संपूर्ण सृष्टि में वही भूषित है वही परिव्याप्त है। श्रियो वसाना चर की स्वरोचि ही, श्रियो शब्द की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं, श्री श्रेय श्रीय वही अर्थ है, श्री धातु श्रेय होना सेवा करना आश्रय होना श्रेय होना आदि, तो यही उसका श्री है श्रेय है। वसाना वसाना का अर्थ हुआ बसते हुए वास करते हुए, वस धातु वसना वसाना, तो बसते हुए श्रीयो बसाना श्री को बसाते हुए श्री का वास कराते हुए, या श्री युक्त श्री धातु का अर्थ सेवा करना भी तो था कह सकते हैं, सेवा करने वालों में वास करते हुए जिनमें सेवा भावना है उनमें ईश्वर का वास है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है सर्वत्र वास है, कहने का भाव यही है कि जिनमें ये श्री सेवा का भाव है उनमें परमेश्वर का गुण विशेष रूप से प्रकट होता है प्रकाशित होता है। चरति स्वरोचि चरति चरता है विचरण करता है विचरता है, यहाँ उपसर्ग नहीं आया तो भी चरति चरता है विचरता है विचरण करता है। स्वरोचि ही स्व स्वयं अपना रोचि ही प्रकाश स्वयं प्रकाशमान से सब तो उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं,
वह स्वरोची है अर्थात स्वयं प्रकाशमान तो वही है, रुच धातु का अर्थ है प्रकाश होना। इसी रुच धातु से रुचि भी बनता है, रुचि होना, रोचक होना, प्रकाश होना, ये सभी अर्थ है। यहाँ पर प्रकाश महात्मा था तो प्रकाश होना अर्थ को प्रमुखता देते हुए लिखा गया है। धातु कोश में अन्य अर्थ भी मिलेंगे। तो स्वरोचि अर्थात स्वयं प्रकाश युक्त किसके लिए कह रहे हैं, उसे परमेश्वर के लिए। सभी वेद मंत्रों में परमात्मा परमेश्वर ही लक्ष्य है, वही मुख्य अर्थ है, वही आध्यात्मिक अर्थ में उसका ही गुण वर्णन स्तुत कीर्तन है। तो आध्यात्मिक अर्थ ही हमारे लिए मुख्य है। इन सभी गुणवाची शब्दों से उसी परमेश्वर का स्मरण किया जा रहा है कि वही परमेश्वर स्वरोचि जो स्वयं प्रकाशमान है, वह श्रेय में वास करते हुए विश्व में परितः समन्तात् प्रतिष्ठित होते हुए, भूषित होते हुए, श्रेय में वास करते हुए, वह स्वयं प्रकाशयुक्त परमेश्वर चरति विचरण करता है। वही सब में संव्याप्त है, विचरण करता है। वो कह सकते हैं उसके कहीं यहां से वहां आने जाने का भाव नहीं है, वो सदा सर्वदा प्रतिष्ठित है संपूर्ण सृष्टि में। उसी की ज्योति, उसी का गुण, उसी का प्रकाश प्रकाशित है। वही सर्वत्र व्याप्त है, विचरित है, विचरण करता है का यहाँ पर यही भाव हमको उचित प्रतीत होता है। शेष आप विचार कर सकते हैं। महत तत्वृषणो असुरस्य नाम, महत्वपूर्ण है, महत महान महत्वपूर्ण हम सब जानते हैं। तत् वह वृषणो, वृषणो वृष धातु से बनेगा। वृष धातु का अर्थ वर्षा करना, पराक्रम होना, चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो वृषणो का अर्थ हुआ वर्षा करने वाला और पराक्रमी, वह परमेश्वर। असुरस्य नाम, असुर का नाम, ये असुर भी उसी परमेश्वर का एक नाम है, एक विशेषण है। जैसे इतने सारे विशेषण हमने इस मंत्र में पढ़े, उसी में एक विशेषण ये भी आया, वह महत है, वह प्रश्नों अर्थात वर्षा करने वाला, पराक्रम करने वाला है, वह असुर का नाम है। असुर क्या है, इस शब्द को समझना चाहिए। अभी इसको बहुत विस्तार से पढ़ा गया भावार्थ के साथ, विशेष में इस शब्द को विशेष रूप से, इसीलिए हम लोगों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो लोगों में पौराणिक धारणाओं के कारण एक भ्रम है कि जैसे असुर कोई नकारात्मक शब्द है, असुर का अर्थ कुछ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। वेद में असुर भी ईश्वर का गुणवाची नाम है। अस धातु का अर्थ प्रकाश करना भी है, असुर का अर्थ प्रकाश करने वाला होगा। अस धातु का अर्थ प्रक्षेपण करना है, असुर का अर्थ प्रक्षेपण करने वाला होगा। अस धातु का अर्थ होना है, उससे भी यदि माने तो असुर शब्द का अर्थ होना, जिसका अस्तित्व है, जो इस सृष्टि में सदा सर्वदा विद्यमान है, उसका नाम असुर होगा। इस प्रकार से इस असुर शब्द का अर्थ सृष्टि का मूल अस्तित्व, मूलभूत सत्ता, दिव्य प्रकाश, गति तथा स्वयं का विस्तार कष्ट, सृष्टि सृजन करने वाला आदि हो सकता है। परमेश्वर के अनेक गुणों को समेटे हुए यह असुर शब्द है। वेद में असुर सकारात्मक रूप से परमेश्वर का ही एक गुणवाची नाम है। इसको हम लोगों ने एक बार, बहुत दशकों हो गया, हम लोगों ने कहा किसी कार्यक्रम में कि वेद में देव और असुर पर्यायवाची हैं। वहां से ये चर्चा उठ गई और बहुत चर्चित हुआ ये विषय। लोगों को लगा कि हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है, नई बात है, जानने योग्य है, सामान्यता लोग ऐसा नहीं जानते मानते हैं। पुराणों में देव और असुर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जनजातियां या कुछ भी आप कह लें समुदाय हैं, जो परस्पर विरोधी हैं।
इसलिए वो एक दूसरे को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। ये ऐतिहासिक क्रम है, दो समुदाय एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, आपस में संघर्ष हुआ, तो एक दूसरे के लिए वो नकारात्मक अर्थ देने लगे। असुरों को लगने लगा कि देव कुछ बुरे लोग हैं, देव उनके समर्थकों को लगने लगा कि असुर कुछ बुरे लोग हैं। ऐसे ही है जैसे दो राष्ट्रों के बीच, दो समुदाय के बीच जिस किसी भी कारण से एक विरोध का भाव आ जाता है, आप देखते हैं विभिन्न संगठनों के बीच आ जाता है, तो एक दूसरे में केवल दोष देखते हैं, गुण नहीं देखते। तो पौराणिक काल में देव और असुर के बीच ऐसा कुछ विरोध का भाव आ गया जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। तो संघर्ष हुआ, संग्राम हुआ, तो एक दूसरे के प्रति नकार का भाव आ गया। है सब एक ही कुल के, एक ही परिवार के, कश्यप से में प्रजा, सब कश्यप ऋषि की संतानें हैं। उनकी पत्नियों में तिथ के पुत्र आदित्य कहलाए, जिन्होंने देव संस्कृत का विकास किया। उनकी दूसरी पत्नी तनु के वंशज दानव कहलाए, और उनकी तीसरी पत्नी तिथ के वंशज उनके पुत्र दैत्य कहलाए। दैत्यों और दानवों ने, देखिए सब भाई हैं, एक ही पिता के संतान हैं, सगे भाई हैं, तो दैत्य और दानव भी उसी कश्यप ऋषि के अलग अलग पत्नियों के पुत्र हैं, और आदित्य नामक पत्नी के पुत्र आदित्य हो गए जो देव कहलाए। तो दैत्य और दानव एक साथ मिलकर के असुर संस्कृत का विकास करते हैं, और आदित्यों ने देव संस्कृत का विकास किया। जो कहे कि उन्होंने अपनी संस्कृत को देव संस्कृत कहा, उन्होंने अपनी संस्कृत को असुर संस्कृत कहा। देव शब्द भी उन्होंने वेद से लिया, असुर शब्द भी उन्होंने वेद से लिया। एक ही परिवार के थे, एक ही वेद को मानते थे। वेद को मानने वालों ने अपने अपने संस्कृत संस्था समूह के लिए वेद से उन्होंने देव शब्द चुन लिया, उन्होंने असुर शब्द चुन लिया। कालांतर में संघर्ष विरोध बढ़ा, तो लोक व्यवहार में दोनों के बीच नकारात्मक अर्थ प्रचलित हो गए। बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध होता है, और बुद्ध से बुद्धू शब्द बन गया, उसका अर्थ मूर्खता होने लगा। वास्तव में शाब्दिक अर्थ तो बुद्धू का क्या होगा जो बुद्ध से जुड़ा हो, जो बुद्धिमान हो, लेकिन बुद्धू शब्द का अर्थ इस समय विपरीत हो गया, क्योंकि बुद्धू का क्या अर्थ हुआ जो बुद्ध से जुड़ा हो। और जब बौद्ध धर्म का यहाँ से कह सकते हैं समापन हुआ, और सनातन धर्म वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई, तो कह सकते हैं खास प्रयास में कहा जाने लगा, जो बच्चे कुछ थे बोले भाई ये तो बुद्धू है, अर्थात बुद्ध को मानने वाला है, बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो बुद्धू का अर्थ एक नकारात्मक हो गया, अबुद्धिमान हो गया, जबकि बुद्धू शब्द का शाब्दिक अर्थ तो वही हुआ। तो भाषा विज्ञान में, ये इतिहास में हम लोग इस प्रकार से जान सकते हैं कि शब्दों का लोक प्रचलित अर्थ इस प्रकार से कैसे बदल जाता है। वेद में एक भद्र शब्द आता है, भद्राणि पश्यन्तु यद् भद्रं तन्नयासु, जो भद्र है वो हमको दे दीजिए। इस भद्र शब्द को बौद्धों ने बहुत अधिक प्रयोग किया। भद्र जन वो अपने संतों को सामान्यतः भद्र कहकर पुकारते रहे, उस भद्र का भ्रंश पाली भाषा में भी हो गया, प्राकृत भाषा में भद्र कहा जाने लगा। अब आप देखिए वर्तमान लोक भाषा में भी भद्र और भद्दा शब्द नकारात्मक हो गया, यह वेद के भद्र शब्द का ही अपभ्रंश है। क्योंकि वो बौद्धों से बहुत अधिक जुड़ गया, तो लोक में वो नकारात्मक अर्थ में प्रचलित हो गया। तो हमें यह समझना चाहिए जो वेद में शब्द आएगा वो धातु जर्थ उसका सामान्यता बिल्कुल विशुद्ध वही होगा। हाँ, लोक में ऐतिहासिक कारणों से कुछ शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, उनके अपभ्रंश शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, इसके ऐतिहासिक कारण होते हैं, ये हम लोगों को जानना समझना चाहिए। महातद्वृष्णो असुरस्य नाम आदि स्वरूपो अमृतानि तस्थो आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात् विश्वरूपो, सभी रूपों वाला अमृतानि अमृतों को तस्थो प्रतिष्ठित करता है। वह परमेश्वर विविध रूपों में अमृत को प्रतिष्ठित करता है। संसार विनाशशील है, मरणशील है, उस परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो वो तो अविनाशी है, अनंति है, अनंत है, वह अनादि अनंत अविनाशी परमेश्वर से जब हम जुड़ जाते हैं तो उस अमृत तत्व को पा लेते हैं, अर्थात मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है,
हम इस बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, हमको इसका बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि वह परमेश्वर अनादि अनंत अमर है, हम भी उस अमृत के पुत्र हैं, अमृतस पुत्र कहा गया है, उस अमृत के पुत्र हैं, तो हम भी अमृत हैं, हम भी अमर हैं। ये मृत शरीर का होता है तो होने दीजिए, इसकी चिंता नहीं करनी है, अंततः हम सब हैं तो उसी अमृत तत्व के स्वरूप मूलता हम सब उस अमृत आत्मा हैं। ये मृत शरीर शरीर मरणशील है, भस्मांतम शरीरम, इस शरीर को अंत में भस्म हो जाना है, ये निश्चित है, परंतु वह आत्मा उसको तो नहीं मरना है, वो अमृत तत्व सदैव रहेगा। इस तत्व का भान हो जाने पर हमें मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, यही अमृत की प्रतिष्ठा, हम अमृतांतस्थो का यही भाव ग्रहण करना चाहिए कि हमारे भीतर उस अमृत होने की भावना प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए, तो हम उस मृत्यु के भय से पूर्णतः मुक्त हो जाएं। इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ पूर्णता प्रदान करते हैं, विराम देते हैं। कल के मंत्र में एक प्रश्न आया था, मेरा मन है स्पष्ट कर दें। इस मंत्र में छंद निचरत गायत्री लिखा है, हमने इसको स्पष्ट भी किया था कि यह पूर्ण विराम से यह मंत्र स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर जैसे यह मंत्र पूर्ण हो रहा है, तृतीय चरण पर पूर्ण विराम लगाना, अर्थात ये मंत्र यहाँ पर पूर्ण हो रहा है, गायत्री छंद पूर्ण हो रहा है, उसके पश्चात तम प्रमथा अयम वेना, ये आठ वर्ण और जुड़ गए। अब इस आठ वर्ण को जोड़कर यदि हम पूरे मंत्र को एक मंत्र के रूप में देखेंगे तो अनुष्टुप छंद बनेगा, और यदि हम उससे पूर्व प्रसाद अधीत वृषभम से मंत्र को पूर्णता प्रदान कर देंगे तो यह गायत्री छंद ही होगा। अब जब गायत्री छंद कहा जा रहा है तो मान ले यहाँ पर मंत्र को समाप्त घोषित किया जा रहा है, माना जा रहा है, और यदि तम प्रमथा अयम वेना को जोड़ देंगे तो अनुष्टुप छंद हो जाएगा। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। आपने बताया था कि किसी विद्वान भाष्यकार ने ये तम प्रमथा अयम वेना को नहीं रखा है, उसको संभवतः उन्होंने छेपक प्रक्षेप मिलावट आदि मानकर हटा दिया होगा, क्योंकि छंद का नाम गायत्री लिखा है तो उनको लगा होगा कि ये गायत्री छंद लिखा है तो गायत्री छंद तो यहाँ पर पूर्ण हो गया, इसके बाद वाला न लिया जाए। हमको लगा कि अब जब महर्षियों ने मंत्र में ये शब्द लिखे ही हैं तो उन शब्दों को स्वीकार कर लिया जाए, छंद का नाम हम भले ही गायत्री से अनुष्टुप स्वीकार कर लें, तो ये हमारे आपके बीच हो सकता है कि उनको ये लगा कि गायत्री छंद है तो यहीं पर मंत्र को पूर्ण मान लिया जाए, और हमको लगा चलिए मंत्र जितना लिखा है स्वीकार कर लें, छंद का नाम वर्णों की गणना के अनुसार अनुष्टुप होता है तो हो जाने दीजिए, तो इसमें कोई है नहीं है, मंत्र वही है, पूरा का पूरा मंत्र शब्द वही है, अर्थ वही है, इस तरह के छोटे मोटे विचारों में अंतर हो सकता है, ये बहुत ऐसे विषय नहीं है जिस पर कोई विवाद जैसी बात की जाए, हमें स्वीकार करना चाहिए, जो भी जैसा मानता है हम दोनों पक्षों का सम्मान करते हैं, मेरा यही विचार है। हरि जी संभवतः कुछ कहना चाहते हैं, स्वागत है, बोलिए। ओम स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये अश्वस्य का मैंने कहीं पे एक जगह पढ़ा है अश्वस्य प्राण दाता रम, क्या इसका ये शब्द उचित हो सकता है यहाँ पे, इसका अर्थ अश्वस्य प्राण दाता रम कहीं पे कोई पार्ट मैंने पढ़ा है, शायद गंगा प्रसाद स्वामी गंगा मानवर गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की एक पुस्तक है वेद विज्ञान, वैदिक उपासना विज्ञान, उसमें पार्ट मैंने कहीं पढ़ा है, तो क्या ये कहां तक ठीक है ना, इस पर कुछ प्रकाश डालें। असुरस प्राण दातारम कहा गया है, असुर शब्द का भावार्थ प्राणदाता किया गया है, मैं स्वीकार करता हूं, बहुत से विद्वानों ने किया है, आपने एक विद्वान का नाम लिया, बहुत से विद्वानों ने किया है, ये हो सकता है उबट सायण महीधर दयानंद आदि
सभी ने अलग अलग मंत्रों में कहीं ना कहीं असुर का अर्थ प्राणदाता कर दिया हो, बड़ी बात नहीं है। असुर शब्द का अर्थ प्राणदाता बौधा किया गया है, ये भावार्थ है, शब्दार्थ नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अस्क्षेपणे धातु भी है, उसका अर्थ है प्रक्षेपण करना, फेंकना। तो श्वासों का जो श्वास प्रश्वास है प्रक्षेपण है, तो उस अर्थ में उन्होंने जो श्वास प्रश्वास का प्रक्षेपण करने वाला है अर्थात प्राण को देने वाला है, उसी परमेश्वर की कृपा से ये हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, वायु का आवागमन प्रक्षेपण हो रहा है, तो इस प्रकार से वो हमको प्राण देने वाला परमेश्वर असुर है। इस प्रकार का भावार्थ बहुत से विद्वानों ने किया है। तो यहां पर हमें यही समझना है कि पहले हम उसका धातु अर्थ शाब्दिक अर्थ समझ लें, भावार्थ इस प्रकार के अनेक किए जा सकते हैं। ये भावार्थ है जिस पर मतभेद हो सकते हैं। मैंने कहा बहुतों ने किया है, मुझे भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। परमेश्वर प्राणदाता है और असुर से ये श्वास प्रश्वास के प्रक्षेपण को जोड़ते हुए उसे प्राणदाता कह दिया गया, ठीक है कह दीजिए, पर शाब्दिक अर्थ ये धातु स्पष्ट कर देते तो ये भ्रम नहीं होता कि इस विद्वान ने ये कहा है और उस विद्वान ने वो कहा है। तो विद्वान तो जानते थे कि वो क्यों और कैसे कह रहे हैं। हो सकता है उनके अनुयायी अनुचर भी, जैसा मैं कहता हूँ कि उबट सारण महीधर दयानंद के अनुयायी अनुचर भी जो उनके सहायक सहयोगी थे, वो भी संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान होते थे, इसलिए उन्होंने प्रत्येक शब्द में धातु बताने की आवश्यकता नहीं समझी, बोले ये तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए मुझे ये परिश्रम करना पड़ा कि प्रत्येक शब्द में धातु बताते हुए हम स्पष्ट करते जा रहे हैं किसका ये मंत्रार्थ भावार्थ क्यों और कैसे बन रहा है। तो इसको ध्यान देंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। विद्वानों में मतभेद नहीं है, मतभेद उनके बीच हो जाता है जो विद्वानों की बात को समझ नहीं पाते हैं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जी किसी और का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी देखें समापन भी कर सकते हैं, समय हो रहा है, जैसा उचित हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, बोलिए, स्वागत है। गुरु जी मेरा एक सामान्य सा प्रश्न था। स्वामी जी नमस्ते। अमृतानी शब्द जो आया है इसको अविनाशी विनाश रहित अविनाशी विनाश रहित या मृत्यु से अलग कर देने वाला, मृत्यु का भय दूर भगा देने वाला, ऐसा भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल यही अर्थ अभी हमने बताया, अभी अमृत का अर्थ यही है, मृत्यु के भय से छूट जाना। हाँ पुलकित आप क्या कह रहे थे बताइए। गुरु जी मेरा सामान्य सा प्रश्न यह था कि ये शुरू की दो पंक्तियां हैं, इनमें कर्ता क्या है इस मंत्र में? इस मंत्र में करता क्या है? जी गुरु जी जो प्रथम दो चरण हैं, आतिष्ठंतम पर विश्वे अभूषण, इतने में तो करता नहीं आया। श्रियो वसाना चरक स्वरोजी, इसमें स्वरोजी प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता कारक है और वसाना भी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, श्रियो भी एक वचन कर्ता कारक, तो इसमें तीन तो आ गए प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में, ये तीनों ही कर्ता हो गए। अर्थात जैसा कहते हैं ना एक ही के ईश्वर के ही ये तीनों गुण बताए जा रहे हैं जो कर्ता कारक में है। कह सकते हैं पूरे मंत्र का लक्ष्य है कर्ता तो परमेश्वर ही है जो आभूषण क्रिया के लिए भूषित हो रहा है, भूषित कर रहा है, वह भी वही परमेश्वर है ना। और जो चरत आया है विचरण कर रहा है, वह भी वही परमेश्वर है, ठीक है ना। तो कर्ता ये परमेश्वर है जिसको अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग नामों से कहा जा रहा है, ठीक। और आगे जब बढ़ते हैं
द्वितीय चरण में अंतिम दो चरणों में तो महत्व है, ये भी करता है, विष्णु प्रथमा एक वचन करता में है ना, असुरस नाम का अर्थ है असुर नाम वाला, वह परमेश्वर कर्ता में आ गया, विश्वरूपो विश्वरूपो भी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, ठीक है। तो ये सभी कर्ता कारक एक वचन प्रथमा विभक्ति में है, ये सब परमेश्वर के ही गुण है, या कह सकते हैं परमेश्वर का ही गुणवाची नाम है, इस रूप में इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। वो बात पूरी गुरु जी, कुछ गुरु जी कुछ शब्द है जैसे चढ़ती है तो उसका अर्थ किया गया विचरता है, तो ये तो एक तरीके की क्रिया हो गई ना गुरु जी, ये क्रिया हो गई, ये तो बताया था करता है तो उसकी कोई क्रिया भी तो होनी चाहिए, आभूषण भी क्रिया है, प्रथम चरण में आभूषण क्रिया है, द्वितीय चरण में चरित क्रिया है, और अंत में तस्थव क्रिया है, तस्थव स्थित है, स्थित हुआ प्रतिष्ठित हुआ जो अर्थ कर लें, ठीक है। तो इसमें तीन क्रियाएं हो गई, प्रथम चरण में आभूषण क्रिया, द्वितीय चरण में चरित क्रिया, और चतुर्थ चरण में तस्थो क्रिया, इस एक मंत्र में तीन क्रियाएं आ गई, ठीक जी गुरु जी। तो अब समापन करो, अब इस कक्षा का हम लोग समापन करते हैं, ओम मंत्र के साथ समापन करो। ओम ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खंब्रम ओम खंब्रम, सभी को नमस्ते। ओम सो असो आदित्य परसः सो असो अहम् ओम खंब्रम ओम खंब्रम, नमस्ते सभी साथियों को। ओम ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म, सबको सादर नमस्ते। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म, सभी साथियों को सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि।